सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। आचार्य विष्णुगुप्त को पूरे जम्बूद्वीप में मगध के राज सिंहासन पर बैठाने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय न मिला। समझ में नहीं आता तक्षशिला का यह महान आचार्य ऐसा क्यों कर रहा है। कौन है ये चंद्रगुप्त? जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं वह मुरादासी का पुत्र है। दासी पुत्र? और कुछ लोगों का कहना है वह पिप्पली वाहन के मौर्य कुल में जन्मा है। मोरों का पालन करता है उसका परिवार, इसलिए मौर्य कहलाते हैं। मोरों का पालन ना तो क्षत्रिय करते ना वैश्य है, तो नीच जन्मा ही हीन कुल का है वो। एक हीन कुल में जन्मे व्यक्ति को राज सिंहासन पर बैठाना ये तो वेदों के आदेश की अवहेलना है। यदि आचार्य विष्णुगुप्त ऐसा करते हैं तो हमें उनके आदेश की अवहेलना करनी होगी, विद्रोह करना होगा। आचार्य, मगध के कुछ गांवों में ब्राह्मण सम्राट चंद्रगुप्त का विरोध कर रहे हैं। क्यों? लोगों में अपवाद है कि सम्राट हीन कुल से हैं, शूद्र हैं। उन गांवों में आग लगा। आचार्य, क्या कुशेंद्र ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उसने ब्राह्मण और शूद्र में भेद किया था? नहीं आचार्य। तो फिर आज संकोच क्यों सेनापति? मैं मुट्ठी भर ब्राह्मणों को एक संभावना नष्ट नहीं करने दूंगा। सेनापति, पहले उन्हें चेतावनी दो।